दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर सबसे बड़ा खलनायक कौन है, तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे? वेल, सलमान खान ने तो राहुल वैद्य को सिलेक्ट किया। आइए जानते हैं क्यों और क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क हुआ जिसका नाम था कठपुतली टास्क। ऐसे में घर में कोई ना कोई विलन तो होता ही है और हर सीजन में कोई ना कोई विलन होता है। अगर आपको याद होगा तो पिछले सीजन के जो विलन थे वो और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला थे। सारे हाउसमेट सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट हो गए थे। तो ऐसे में इस हफ्ते जो है, इस सीजन में राहुल वैद्य एज अ विलन नजर आ रहे हैं घर के अन्य कंटेस्टेंट्स को। पहले तो सलमान खान ने कहा कि आप सब आपसी सहमति से किसी एक कंटेस्टेंट को घर का खलनायक घोषित करिए। फिर सलमान खान खुद ही कहते हैं कि आप लोग रहने दो क्योंकि आप जो है फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में सलमान खान राहुल को कहते हैं कि राहुल, हमको लगता है कि तुम घर के खलनायक हो और इस बड़ी सी चेयर पे आके बैठ जाओ। राहुल वैद्य जाते हैं उस बड़ी सी चेयर पे बैठते हैं। पहले तो सलमान खान राहुल वैद्य के साथ नेपोटिज्म वाला जो बात थी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और जो नेपोटिज्म का मुद्दा था उसको सॉल्व करते हैं और समझाते हैं राहुल को कि क्या सही था या क्या गलत है, आपको ऐसे नेपोटिज्म वाली बात को नहीं लानी चाहिए थी। वेल, इस पे राहुल वैद्य भी कहते हैं हाँ, मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। वेल, राहुल जो है इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर सलमान खान आते हैं जैस्मिन और राहुल के फाइट पे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको भी यही लग रहा है कि सलमान खान ने जो टैग दिया है राहुल वैद्य को घर का खलनायक, वो सही है या फिर नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहूँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।